फोन जो है बहुत जल्दी फास्ट चार्ज नहीं हो रहा है। वन प्लस का इस फोन से रिलेटेड काफी ज्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं वन प्लस से रिलेटेड, एंड इसके अलावा जो भी कंपनी का डिवाइस है सभी के लिए है। आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि अगर आपका फोन बहुत ही फास्ट चार्ज नहीं होता है, एंड यहाँ पे एक भाई का जो है कुछ दिन से कमेंट है कि 80% जैसे ही चार्ज होता है उसके बाद जो है ऊपर के केस में क्या होता है कि बहुत ही स्लो चार्ज होता है। सो गाइस कंप्लीटली ये वीडियो आज होने वाला है, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे आप अपने फोन को फास्ट चार्ज कर सकते हैं। पहले तो आपको ये पता करना होगा कि आपके फोन पे कौन ऐसा एप्लीकेशन है, कौन कहाँ पे लीक है जो आपका फोन का जो बैटरी है उसे फुल चार्ज होने से रोक रहा है, फुल चार्ज नहीं होने दे रहा है। ओके सो आपको क्या करना है, इसी हाल में आपका फोन पे जो सेटिंग दिया हुआ है जो कंपनी की तरफ से, बस उसी सेटिंग पे आना है, क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओके यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे नीचे की ओर आपको देखने को मिला बैटरी का ऑप्शन, बस उसी बैटरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। पहले आप ध्यान से देखिए, उसके बाद आपको कुछ और बोलना है। ऐसे ही क्या करते हैं लोग, बिना देखे कमेंट कर देते हैं। बैटरी यूज बाय ऐप, यहाँ पे आना है, क्लिक लेना है। यहाँ पे आने के बाद आपको ये मालूम चलेगा कि कौन ऐसा एप्लीकेशन है आपके डिवाइस में कि बैटरी को बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, खत्म करता है। सो वो जानने के बाद आपको उसके रोकना है। अगर आप रोके नहीं, उसको नहीं रोकोगे, ऐसे ही नॉर्मल तरीके से फोन इस्तेमाल करोगे, ओके जो यहाँ पे सेटिंग देने का है वो सेटिंग ही नहीं दोगे, तो आपका फोन का बैटरी एक तो स्लो चार्ज होगा, चार्ज होने के बाद बहुत जल्दी ड्रेन भी हो जाएगा। सो इस हाल में आपको क्या करना है, पहले पता करना है कि कौन ऐसा एप्लीकेशन है जो आपके फोन के साथ धोखा दे रहा है, आपको धोखा दे रहा है। ओके बस इस तरह से आना है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिला, देख सकते हैं क्रोम ब्राउजर आपको शो ऑफ हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे काफी सारे एप्लीकेशन है जो बहुत ज्यादा बैटरी ड्रेन कर रहा है मेरा इस फोन पे। इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो आपको दे चुका हूँ, इसी चैनल पे अपलोडेड है, अगर नहीं देखे तो जरूर देख लेना, जिससे कि आप कैसे फास्ट बैटरी ड्रेन हो रहा है आपके फोन पे उसे कैसे रोक सकते हैं और कैसे आपको बैटरी को बैकअप कराना है, वो सब के ऊपर ऑलरेडी वीडियो है इसी चैनल पे। ओके अगर आप नहीं देखे तो जरूर देख लेना। यहाँ पे फिलहाल ये जाना कि फास्ट चार्ज करने का क्या प्रोसेस है, पहले आपको यहाँ पे आके देख लेना है कि कौन सा एप्लीकेशन बहुत ही जल्द आपका फोन का बैटरी को खत्म कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप मुझे देखने को मिल रहा है क्रोम, यूट्यूब, वाइडियो स्टूडियो, ये सब एप्लीकेशन। अब आपको यहाँ पे देख लेना है, उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। अगर आप यहाँ पे बीमार ही नहीं समझोगे तो इलाज कैसे करोगे। अब जैसे कि देखने को मिला क्रोम ब्राउजर, ओके बस मैं क्या करूंगा, क्रोम ब्राउजर पे आना है, इस तरह से आपको क्लिक कर लेना है। आपके जो भी ब्राउजर यहाँ पे आपको देखने को मिले कि ये एप्लीकेशन ज्यादा बैटरी खत्म कर रहा है, बस उसी एप्लीकेशन को प्रेस करके रखना है। यहाँ पे सेटिंग या फिर आई डॉट करके देखने को मिलेगा, बस उसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आना है स्टोरेज यूज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। क्लियर कैश पे आपको क्लिक करना है, क्लियर डाटा पे आपको क्लिक नहीं करना है। क्लियर डाटा करके करोगे तो क्या होगा, री लॉग इन करना होगा दोबारा से। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लियर कैश पे आपको क्लिक करके क्लियर कर देना है। इसी तरह से जो जो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सबका एप्लीकेशन का आपको इसी तरह से काम कर देना है, क्लियर कर देना है। उसके बाद क्या करना है, जो एप्लीकेशन आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसे आपको अपडेट कर लेना है। ओल्ड वर्जन अगर रहेगा तो वो बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा। ओके सो ये हो गया प्रोसेस। इसके बाद क्या करना है, बैटरी अगर फास्ट चार्ज नहीं हो रहा है, ये सब प्रोसेस आपको पहले कर लेना है। ओके उसके बाद क्या करना है, अपने फोन का बैटरी को पूरा एक बार कंप्लीटली डाउन होने देना है। कंप्लीटली आपको जो है चार्ज पे नहीं लगाना है, एक बार कंप्लीटली आपको स्विच ऑफ कर देना है फोन को इस्तेमाल करके। जैसे ही पूरा बैटरी खत्म हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, फोन को ऑफ करके चार्ज पे लगा देना है। फोन पे चार्ज पे आप लगा दोगे, जैसे ही फुल चार्ज हो जाता है उसके बाद ही आपको प्लग से हटाना है। फुल चार्ज जब तक नहीं होगा आप कुछ कोई भी यहाँ पे यूज नहीं करना है फोन को। एक बार कंप्लीटली इस तरह से डाउन करके फुल चार्ज करोगे ऑफ करके, उसके बाद आप देखोगे फोन का बैटरी बैकअप भी हो जाएगा, एंड उसके बाद जो आप इस्तेमाल करोगे फोन बैटरी को 30% से नीचे आपको डाउन नहीं होने देना है। आपको ध्यान रखना है कि 40% जैसे ही आ रहा है 40% से ऊपर ही है या फिर कम है 35%, इतना ही में आपको क्या करना है, फोन को आपको चार्ज पे लगा देना चाहिए। ओके इससे क्या होगा कि बैटरी का बैकअप जो है बना रहेगा और इस हाल में फोन का जो चार्जिंग है वो बढ़ जाएगा। ओके सो इस तरह से आपको फोन का बैटरी जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे चार्ज खत्म हो रहा है तो टिकेगा भी एंड बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाएगा। अगर आप ऑफ करके एक बार कर लेते हैं उसके बाद जो है आप बीच बीच में क्या करोगे, फ्लाइट मोड करके चार्ज पे लगाओगे, एंड इस तरह से आप जो है इस्तेमाल करोगे पूरा कंप्लीटली डाउन नहीं होने दोगे। तो इससे क्या होगा, बैटरी आपका बहुत ही फास्ट चार्ज हो जाएगा और बैटरी बैकअप अच्छे खासे देने लगेगा। काफी ज्यादा लोग इस चीज को फॉलो करते हैं, मैं जो जो तरीका बता रहा हूँ काफी ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका फोन काफी हद तक अच्छा चल रहा है। और अगर आपका पुराना फोन है, बहुत ज्यादा पुराना फोन है, तो आपको कोशिश करना चाहिए
कि न्यू फोन की तरफ जाने का, क्योंकि पुराना फोन का क्या होता है कि बैटरी डे बाई डेज डैमेज होते रहता है। बैटरी आपका कैसा हेल्थ है या नहीं है, फोन आपका हेल्थ है या नहीं है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, उसे देख के आप पता कर सकते हैं कि आपका फोन का बैटरी हो गया, फोन हो गया हेल्थी है या नहीं है। ओके सो गाइस, ये था कुछ प्रोसेस जिसके मदद से आप फोन का बैटरी को बहुत ही फास्ट चार्ज कर सकते हैं। ओके एंड न्यू अपडेट आपको तो जरूर इंस्टॉल करना है, जो काफी लोग करते हैं पुराना वर्षन को ही इस्तेमाल करते हैं, न्यू वर्षन को यूज नहीं करते हैं। सो ये एक फॉल्ट है जिसके कारण आपका फोन का बैटरी बहुत ही फास्ट चार्ज नहीं होता है और फोन का बैटरी जो है जल्दी खत्म हो जाता है। तो गाइस ये था कुछ प्रोसेस जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफी सारी चीज है, मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक जरूर कर लेना।